हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानपुर कचहरी में लायर और बार एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल के चलते कचहरी में रजिस्ट्री कराने आ रहे लोगों की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है, जब से हड़ताल चल रही है हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं लॉयर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारी हड़ताल से लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है और जो भी कचहरी आ रहा है उनका काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वह हमारी मांगे व अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं कर रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। अधिवक्ताओं ने बताया कि 8 सितंबर तक ये हड़ताल जारी रहेगी, उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए कानपुर से सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। जी, हमें तो ठीक बोल रहे हैं, आपकी चल रही है कचहरी। हड़ताल तो अभी कंटिन्यूस चल रही है और हड़ताल का जो रूप है, स्वरूप है, वो बढ़ता चला जा रहा है। कल हमारे राज्य विधिक परिषद ने पुनः 8 तारीख तक हड़ताल की घोषणा कर दी है और इससे जो राजस्व है उस पर फर्क पड़ रहा है। तमाम वादकारी परेशान हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है कि अगर सरकार ने अब तक कॉग्निजेंस ले लिया होता इस पर पूरी तरह से, दोषियों को दंडित कर दिया होता, मुआवजा दे दिया गया होता, DM SSP हटा दिए गए होते और हमारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया होता तो आज सुचारू रूप से न्यायालयों में कार्य हो रहा होता। लेकिन नहीं, हम न्याय व्यवस्था को पंगु कर देंगे, ऐसा पुलिस का सोचना है और हम अधिवक्ताओं ने भी ठाना है कि हम न्याय व्यवस्था को उस मुकाम तक ले जाएंगे कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे, न्याय व्यवस्था सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। चरण करने के लिए कहा गया था ये आंदोलन, अगले चरण में आप लोग क्या करेंगे और कब तक ये जारी रहेगा? देखिए, चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में पहले धरना प्रदर्शन हुए, उसके बाद DGP महोदय का, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पुतला फूंका गया, आज हड़ताल पर हैं, 8 तारीख के लिए फिर दिशा निर्देश आएगा वो करेंगे। तो ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और अगर बढ़ेगा तो यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक जाएंगे, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराएंगे। जय जो